राम राम जी, क्या हाल चाल सभी के। तो सबसे पहले टायर देखो, बाइक का जो फ्रंट टायर है वो बिल्कुल जा चुका है। लगभग 55,000 किलोमीटर बाइक चल गई है। पिछला तो मैंने चेंज करवा लिया था, अगला एकदम घिस चुका है। और अगले वाले टायर का साइज है 180, ठीक है। पिछला कितना था? पिछला 130, 130-70 है। हाँ, आगे वाला है 180। तो मैं अभी मैं जा रहा हूँ अपोलो के पास में, एक शॉप है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। तो मोटो व्लॉग भी हो जाएगा और टायर का प्राइस भी पूछ लेंगे कितने का मिल रहा है आगे वाला। थोड़ा सा फैट टायर डलवाना है, देखते हैं कैसा मिलेगा, पहले जाके ही पता चलेगा। ल्यूब कर लेता हूँ, चैन ल्यूब पहले, फिर निकलते हैं, क्योंकि भाई वॉश होने के बाद ल्यूब नहीं हुई है, तो ल्यूब करके तब निकलेंगे, वरना चैन करने लगेगी खड़ खड़। सर्विस होने के लिए अभी 1500 किलोमीटर पेंडिंग पड़ी है, सर्विस तभी होगी जब 5000 किलोमीटर चल जाएगी। अभी ऐसा कोई इशू है भी नहीं बाइक में। लो जी, बस प्रॉब्लम एक होती है ना वाइट ट्रिम में, जैसे मैंने अभी लूब ल्यूब कर लिया ना, तो देखो अभी ये ब्लैक ब्लैक छींटे गिरेंगे, ये दिख रहा है, यहीं से रिम में गंदा हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, अगर थोड़ा करोगे तो नहीं होगा, मैं ज़्यादा कर देता हूँ। एक तो बाइक में सबसे पहले डलवाऊंगा पेट्रोल, क्योंकि बाइक चल नहीं रही है तो पेट्रोल भी नहीं डल रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में दीपक ब्लॉग टीवी पर। आज की वीडियो रहेगी, अगर मुझे टायर मिल गया परफेक्ट एकदम जैसा मुझे चाहिए तो मैं डलवा लूँगा, या फिर मुझे जाना पड़ेगा गाजियाबाद, वो मैं आज नहीं जाऊँगा। जय माता दी, हरे कृष्णा, वो मैं आज नहीं जाऊँगा, फिर उसके लिए 2-3 काम निकाल के तब जाऊँगा, जिससे कि सारे काम एक साथ हो पाए। और सर्विस के लिए देखो, कितना भी 1600 बाकी है अभी सर्विस होने के लिए, और इंजन ऑयल है ही, वो मैंने चेक कर लिया साइड में, वो मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ। तो सर्विस के लिए भी 1600 किलोमीटर और चलनी बाकी है, 1600 किलोमीटर, उसके बाद हम जाएंगे सर्विस सेंटर। जो मुझे थोड़ा सा पिलखुई की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड मिल जाता है पेट्रोल ठीक, और अगर मैंने डलवाया मसूरी डासने में तो भाई उधर तो कटना ही कटना है, पता नहीं कैसे पेट्रोल कम गिरता है यार, कई बार अजमाई हुई बात है, पेट्रोल कम गिरता ही गिरता है। तो थोड़ा सा हम इस साइड चल लेंगे, कोई बात नहीं। और मेरे साथ भी वही चीज़ हो रही है, क्योंकि टंकी ना खाली नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी, जिसमें इंजेक्टर लगा रहा होता है ना, ऑटोमेटिक ऑयल ट्रांसफ़र करने की मशीन लगी होती है टैंक में, और ज़्यादातर सब बाइकों में आने लगी है, जिस बाइक में भी तेल ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं आता इसके अंदर वो इंजेक्टर लगा हुआ है। अगर टंकी खाली रहेगी ना, 2 से 3 लीटर तेल नहीं रहेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा चांस रहता है ख़राब होने का। वो इंजेक्टर कम से कम 8-9 हज़ार का आता है, इसका तो 8-9 हज़ार का आता है। तो पहले डलवा लेते हैं पेट्रोल, और वही गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बार मैं कर चुका हूँ, जब नई बाइक ली थी ना उस टाइम पे मैंने फूंक दिया था, क्योंकि यहाँ लिखा रहता है फ्यूल इंजेक्शन, इंजेक्शन बोलते हैं इंजेक्टर पता नहीं, कुछ ऐसे ही है। 560 लो जी, पेट्रोल का हो गया काम। अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा रॉन्ग साइड, नहीं यार चलो रॉन्ग साइड क्या जाऊँ, क्योंकि थोड़ी सी दूर होता है तो समझ आता, पर यहाँ से 1 किलोमीटर रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, ऐसे तो आधा किलोमीटर जाके यू टर्न मार के आ जाऊँगा। क्या है ये, अभी नहा के आया हूँ, फिर धूल मिट्टी, देखो मुझे जाना है यहाँ से डासने, क्योंकि डासने में एक अपोलो की शॉप है जहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, मैंने कभी गया था नहीं हूँ, पर मैंने देखी है फ्लाईओवर से आते हुए, तो एक बार वहाँ जाके जानकारी ले लेता हूँ। अगर मिल गया अपने टाइप का, जैसे कि अपने को टायर चाहिए, ठीक है, या तो 1080 ही मिल जाओ, या 1080 से एक नंबर ऊपर मिल जाओ, और डिज़ाइन वगैरह थोड़ा ठीक ठाक सा हो, ग्रिप अच्छी हो उसकी, क्योंकि अपोलो का टायर जो मैंने पीछे डलवाया हुआ है वो अच्छा टायर निकला है, ठीक है, अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मुझे अपोलो का ही समझ आ रहा है, वरना MRF ये भी, इन सब के भी अच्छे आते हैं टायर, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट एक बार मैं पहले फर्स्ट टाइम मैं अपोलो का ही कराऊँगा, मिल गया ठीक, नहीं मिला फिर देखते हैं।
और देखो अभी मैं घूमने वाली वीडियो नहीं बना पाऊंगा, कहीं ट्रिप पे जाना या कहीं दर्शन करने जाना, उसका एक रीज़न है, अभी पता है सबको, अगर किसी ने पहले वीडियो देखी होगी तो मम्मी को चोट लगी हुई है, अभी एक दो महीने में कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मम्मी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। लगभग एक महीना हो गया है और 30-40% रिकवर हुई है अभी, क्योंकि रोज़ फिजियो वाला आता है और दवाई वगैरह चल रही है, हॉस्पिटल जाना होता है 5-10 दिन के बाद, टांके वगैरह हैं वो तो हट गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समय और लगेगा, हमारी माता चलना स्टार्ट कर देंगी, थोड़ा ठीक हो जाएंगी, जब बिना सहारे के चलना स्टार्ट कर देंगी तब हम कोई ट्रिप बनाते हैं, ठीक है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना भाई, इस टाइम 1 बज रहा है और इस टाइम धूप इतनी तकड़ी होती है ना कि बाहर निकलने की हिम्मत होगी ही नहीं। ये तो थोड़ी बारिश हुई है ना कल दिल्ली गुड़गांव में, यहाँ तो कल हुई थी बहुत थोड़ी, वो भी झरना सा पड़ा था, ज़्यादा बारिश ही पड़ी है शायद दिल्ली में पड़ी, उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा और धूप तो निकल ही नहीं रही है, हो सकता है दोबारा बारिश पड़े। वो दिख गया मुझे यहीं से, वो अपोलो, बस पहले यू टर्न से ही लेना हमें। टायर की दुकान तो इस साइड भी है, पर मुझे ना किसी ब्रांड का डलवाना है, एक बार पैसे डल जाते हैं उसके बाद वो ठीक रहता है। होश ले लें तेरी ऐसी की तैसी। तो पहुंच तो गए हैं हम अपोलो पर, अपोलो वाले है कहां पर, ये अपोलो ही है, यहां अपोलो ही है, ये पूछ लेते हैं भैया बाइक के भी मिलेंगे क्या टायर या नहीं। बाइक क्या है भाई, टायर इसका मिल जाएगा 180 है, दिखा दियो। तो जो टायर डला है वो तो कह रहा है कि मिल जाएगा, एक नंबर बड़ा चाहिए बस हमें, पर यहाँ सब है भाई, सीएट भी है, अपोलो भी है, अब देखते हैं क्या लेने वाले हम। सीएट ज़्यादा दिख रहा है। कौन सी कंपनी का है भाई, अपोलो का ना है क्या? अपोलो नहीं है भैया। यार मैं तो अपोलो देख के आया था, अपोलो का नहीं है, अपोलो का चाहिए यार, ये रहने दे, अपोलो का मिल जाएगा, ये रहा मिल जाएगा, अपोलो का है, और कवर डाल दियो भाई अभी 2 मिनट। क्या साइज है इसका? नहीं इसका साइज बता, साइज क्या है? 90-70। यार वो तो दूसरा है, 180-70 कितना? 80-70 कोई दिक्कत ना, 90-70 कोई। अब भाई वही चाहिए मेरे को, पतला भी तो दिख रहा है इससे, पतला भी भाई साहब गंजा होने को तो होता है, जबकि मुझे एक नंबर से बड़ा चल जाएगा, एक नंबर से ब्रॉड। रुक जा भाई देख तो लूँ, यार मज़ा नहीं आ रहा टायर में, वो ही रन चाहिए, वो फर्क ना चाहिए, वो फर्क ना चाहिए इतना सर भाई, से तुम कई चीज़ का भी फर्क ना आवे, मज़ा नहीं आ रहा यार, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा नहीं आ रहा यार। मैं तो शोरूम, मैं तो सोच के आया था अपोलो के सारे टायर होंगे, एक तो तेरे पर डिजाइन भी ऐसा एकदम ओल्ड, भाई सच बताऊं टायर ना डलवाने का रीज़न ये है कि मुझे नहीं आया मज़ा टायर में, ठीक है, एक तो साइज़ चेंज है, एक ही टायर है उसके पास सिंगल, मतलब चॉइस भी नहीं है जी कि 2-4 टायर होते मैं देख के पसंद भी कर लूं, एक ही टायर है सिर्फ वही, TVS का टायर और सीएट का टायर है, अपोलो की दुकान है अपोलो की टायर नहीं है, अगर 2-4 भी ऑप्शन मिलते तो मैं देखता, पहली बात तो साइज़ चेंज है, दूसरी बात टायर का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा मुझे, इससे ब्रॉड मिल जाएगा चलेगा, ये 180 है वो 90-90 है, तो अब मुझे ना शोरूम पे जाना पड़ेगा अपोलो के, वहीं पे ही मिलेगा जहाँ से मैंने पीछे वाला टायर डलवाया, मुझे लग रहा है वहीं जाना पड़ेगा, वहीं मिल पाएंगे ऑप्शन, क्योंकि जब मैंने पीछे वाला टायर भी डलवाया था तो बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ। देखो यहाँ रेट है 1900 के आसपास इसने बताया, जो अपोलो वाला था 1800-1900 दोनों के बताए थे वो, मतलब इसी रेट के दोनों टायर बताए थे, सीएट वाला भी और अपोलो वाला भी, तो मेरे ख्याल से 2000 रुपये तक का टायर ठीक ठाक डल जाना चाहिए, उसके बाद फिर 50-60 हज़ार किलोमीटर के लिए
फ्री, क्योंकि आगे वाला टायर देखो अभी भी चल रहा है, जितना भी घिस चुका है वो पर चल रहा है। 53,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक और 50,000 किलोमीटर पे मैंने पीछे वाला टायर चेंज करवाया था, और पीछे वाला टायर डला था 3500 रुपये या 4000 के आसपास का, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, जाके देख लो भाई, टायर बहुत अच्छा है। पर आ गया हूँ जिंदल, अगर मुझे आज ही टायर मिल जाता ठीक ठाक तो मैं डलवा देता, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा होने वाला है जाना वृंदावन इसी बाइक से, तो टायर तो डलना था ही, तो डल जाएगा, बट अभी नहीं डल पाया तो गाजे बज जाएंगे तब डलवाएंगे। अब इसके शोरूम से ही डलवाएंगे, हम इधर उधर भटकेंगे ही नहीं। दोस्तों इस वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अगले बाय, टेक केयर, खाते रहो पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो, और अपनों का भी ये वीडियो इतनी सी ही थी, ठीक है, और भी कुछ हो सकता था वीडियो में अगर टायर डलता, तो फिर तो टायर ही डलता होता ना, मतलब फिर तो टायर ही डलता ना वीडियो में अगर और भी कुछ होता तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लगभग 2000 रुपये तक का टायर डल जाएगा देखो, ठीक है, और यहाँ से ना तो शोरूम से भी लेंगे तो 500 रुपये का फ़र्क आता ही है, वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ जाएंगे तो भी वीडियो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। जय माता दी, ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत सारा देना प्यार, इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म, क्योंकि हम पहुंच गए हैं घर, यहाँ बिगड़ा पपीता, आगे भी देख लो भाई, आगे देख लो, लो जी बेटा बहुत फ़ोन चला रहा है आजकल। लो जी हम पहुंच गए हैं घर, सभी को न्यूट्रल होगी तभी तो करेंगे, राम राम।